नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। न्यूज स्पेशल में बात करेंगे दो बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे अलग हुए बुआ और बबुआ, साथ ही बात करेंगे उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। कस्बे और वादी तो साथ साथ चलने के खाए गए थे, लेकिन यहाँ जरा सी मुश्किल रास्ते में क्या है? इन्होंने मुंह फेर लिया। बीजेपी को हराने का सपना देखने वाली सपा बसपा का गठबंधन अब टूट गया है। इसे लेकर खुद मायावती ने बयान दे दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। रिपोर्ट देखिए। टूट गया सपा बसपा का गठबंधन, अब हाथी नहीं करेगा साइकिल की सवारी। माया ने हाथी से साइकिल को नीचे फेंका। भविष्य नहीं रहा अब गठबंधन का। कितनी अजीब वृष्टि है यहाँ पे, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितनी अजीब वृष्टि है। वाकई कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पर। 24-25 सालों की दुश्मनी को भुलाकर जब 12 जनवरी 2019 को एक मंच पर बुआ बबुआ साथ आए तो तमाम राजनीतिक दल भी चौंक उठे। माया अखिलेश ने हाथ मिलाया तो पिछले सभी गिले शिकवे दूर कर लिए गए। कहा गया कि ये अब एक विचारधारा का गठबंधन है, हम पुरानी दुश्मनी भुलाकर अब हमेशा के लिए एक साथ चलने वाले हैं। यानी कि हाथी ने साइकिल की सवारी की तो इसे साथी बना दिया गया। भले ही सपा बसपा अपने गठबंधन को लेकर दम भर रहे थे, लेकिन राजनीतिक दल इसे ठगबंधन से ज्यादा और कुछ नहीं समझ रहे थे। और अब हुआ भी कुछ ऐसा ही। जिस लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ने हाथ मिलाया था उसमें गठबंधन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया और नतीजा ये रहा कि परिणाम के 10 दिन बाद ही गठबंधन टूट गया। कल ही मायावती ने दिल्ली में बसपा की बैठक में गठबंधन के टूटने का इशारा दिया था और आज पीसी करके एक तरह से गठबंधन के टूटने का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बहुल्य, जहां पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अपने यादव बहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है। अर्थात अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतरघात किया है। प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे। और अगर वे किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा और जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं वो तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। कल जब मायावती ने गठबंधन तोड़ने का इशारा दिया तब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुप्पी साधे रहे, लेकिन जब आज मायावती की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक ऐलान किया तो इसके तुरंत बाद ही अखिलेश यादव ने भी गठबंधन को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उपचुनाव में गठबंधन साथ नहीं होता है तो फिर समाजवादी पार्टी भी चुनाव के लिए तैयारी करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा भी उपचुनाव की सभी 11 सीटों पर चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन टूटा है और जो बातें कही गई है मैं उन पर बहुत सोच समझकर विचार करूंगा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि अगर रास्ते अलग अलग हैं तो उसका भी स्वागत है। यह गठबंधन के बारे में जो बात रखी गई है मैं उस पर बहुत सोच समझ कर विचार करूंगा और जब गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं उपचुनाव में तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे। समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मशवरा कर करके अकेले लड़ेगी, उसका विचार हम लोग कर लेंगे बहुत जल्दी।
बता दें कि यूपी में बीजेपी के रथ को रोकने के लिए सपा बसपा ने हाथ मिलाया था। दावा किया जा रहा था कि इस गठबंधन से बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन नतीजों ने गठबंधन की डोर कमजोर कर दी। इस गठबंधन ने सपा को तो कोई फायदा नहीं पहुंचाया, लेकिन सपा पर आरोप लगाने वाली बसपा को इससे 10 सीटों का फायदा जरूर हुआ। हालांकि इस फायदे को बसपा सुप्रीमो मायावती दरकिनार कर सपा पर ही आरोप लगा रही है कि यादव और जाट वोट्स बसपा को ट्रांसफर नहीं हो पाए। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या सपा पार्टी के अंदर कुछ बदलाव कर गठबंधन को बरकरार रखा जाता है या फिर ये रिश्ता यही तोड़ दिया जाता है। कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितनी अजीब रिश्ते हैं। वहीं सपा बसपा के इस गठबंधन को लेकर हमारे संवाददाता ने स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। प्रदेश की कैबिनेट बैठक खत्म हुई और यहाँ पर गठबंधन को लेकर ज्यादा चर्चा देखने को मिल रही है। गठबंधन जो कि कुछ दिनों पहले का था, कुछ राजनीतिक रिश्तेदारी हुई, बुआ भतीजे राजनीति करते हुए सामने आए। सर, बुआ भतीजे की रिश्तेदारी अब खत्म होती दिखाई दे रही है। देखिए, बुआ भतीजे का गठबंधन तो टूटना ही टूटना था, क्योंकि ये गठबंधन स्वार्थों का था, ये गठबंधन मुद्दा आधारित नहीं था, इस गठबंधन का कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं था, ये गठबंधन निहित स्वार्थों का गठबंधन था। और किसी का स्वार्थ पूरा हुआ और किसी का स्वार्थ अधूरा रहा, तो स्वाभाविक रूप से आज वो गठबंधन जिस पर हम पहले ही पूर्व में ही कई बार कह चुके थे कि चुनाव के ठीक बाद ये गठबंधन धराशायी हो जाएगा, और वही हुआ, वो गठबंधन धराशायी हुआ। आज आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने में लोग अपनी होड़ लगाए हुए हैं। नहीं, मायावती जी तो कह रही है कि वो वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, बल्कि 10 सीटें किया गई। अब ये तो मायावती की चालाकी है कि अखिलेश यादव जी का फायदा उन्होंने ले लिया। अखिलेश यादव जी मायावती का फायदा नहीं ले पाए, अलबत्ते मायावती ने गठबंधन के माध्यम से अखिलेश यादव जी को अपने घुटने पर टिकवा लिया। अखिलेश यादव एक आरोप और लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जातिवादी पार्टी है। अब वो उनके आरोप का कोई मतलब ही नहीं है, जब देश के समूचे जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी को ओढ़ दिया, यहाँ तक कि यादव समाज ने भी दिया, जाटो समाज ने भी दिया, दलित ने भी दिया, पिछड़े ने भी दिया, अगड़े ने भी दिया, हिंदू ने भी दिया, यहाँ तक कि मुसलमानों ने भी दिया, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की स्वीकारता जब देश की जनता में है तो अखिलेश यादव से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, अखिलेश यादव से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, और साफ साफ कहा है कि सबका साथ सबका विकास के चलते भारतीय जनता पार्टी को ये मैंडेट मिला है, और अखिलेश यादव और बुआ भतीजे का जो गठबंधन है उसकी गांठें खुलना पहले से तय था। वीडियो जर्नलिस्ट अमीश के साथ अभिषेक मिश्रा, HNN न्यूज। तो सपा बसपा के टूटते इस गठबंधन को लेकर सियासत जोरों पर चल रही है, क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं सुनिए। देखिए, ये तो अवसरवाद से पैदा हुआ गठबंधन था, अब अवसरवाद में उनको जो लाभ की जो लाभ चाहते थे वो मिला नहीं, अब उस कारण अब टूट रहा है। तो जो अवसरवाद से जो पैदा होता है उसका हर्ष जो है वो सामने दिख रहा है। मायावती जी ये आरोप लगा रहे हैं कि यादव वोट अपने परिवार को ही नहीं दिला पाए, उनकी तो बात दूर है। अब मायावती जी कुछ आरोप लगा रही है, जब उन गठबंधन में गई थी उन्होंने क्या बोला ये सोचना चाहिए, मगर अब नहीं मिला है उनको फायदा, तो अब उसका जो आरोप है उसका भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी, वो समाजवादी और अखिलेश यादव ही जवाब दें। सपा बसपा का नापाक गठबंधन को टूटना ही था, और आज दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सही मायने में जब कोई भी राजनीतिक पार्टी स्वार्थों के बिना पर गठबंधन करती है, मुद्दा आधारित नहीं होता है, कोई कार्ययोजना नहीं होती है, न्यूनतम कार्यक्रम नहीं होता है, तो उसका हर्ष और उसका अंत बुरा ही होता है। वही हुआ जब आज सपा बसपा दूसरा एक दूसरे कहीं ना कहीं ममे तूतू पर उतारू हो गए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं,
और मैं तो पहले भी कहता था कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई जो तीन बार उनको मुख्यमंत्री बनाया था, तो अखिलेश यादव जी क्या होंगे। और वहीं पर अखिलेश यादव जी जब समाजवादी पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव यानी अपने पिताजी के कसौटी पर खड़े नहीं उतरे तो मायावती कसौटी पर कैसे खड़े उतरेंगे। और परिवहन कुल मिलाकर वो गठबंधन टूटना था, आज नहीं कल। स्वार्थ के गठबंधन कभी टिकते नहीं, गठबंधन वही होता है जो विचारधारा के हिसाब से गठबंधन। जब चुनाव का परिणाम जो लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है उसके अनुसार नहीं होता है तो इस तरह के बातें उठती हैं, इस तरह के सवाल उठते हैं। तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मायावती जी को और अखिलेश जी को आपस में बातचीत करनी चाहिए कि आने वाले भविष्य में उनका क्या फैसला रहेगा, साथ चलना है या अलग चलना है। और सीधा रुख करेंगे लखनऊ का। राहुल श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं लखनऊ से। राहुल, सपा बसपा का गठबंधन जो बना था बीजेपी को मात देने के लिए, अब यहां पर देखिए थोड़ी सी मुश्किलें क्या रास्ते में आई, दोनों ने गठबंधन यहां पर तोड़ दिया है। हालांकि कुछ गुंजाइश जरूर यहां पर नजर आ रही है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर सपा कुछ बदलाव करती है तो गठबंधन आगे चल सकता है। किस तरीके की सियासत देखने को मिल रही है यूपी के अंदर? देखिए, निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव परिणाम आने के 12वें दिन ही इस गठबंधन की 13वीं हो गई है। आज जिस तरह से मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा बयान दिया, HNN ने कल ही इस खबर को 24 घंटे पहले ही अपने दर्शकों को बता दी थी कि यह गठबंधन अब टूटने वाला है। आज मायावती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो उन्होंने इसी बात पर मुहर लगाई, HNN ने जो कल से खबर चलाई थी उस पर अपनी मुहर लगा दी। उनका साफ साफ कहना है कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी के जो यादव वोट था उसका कोई फायदा नहीं मिला इस गठबंधन को, खासकर BSP को। शायद यही वजह रही है कि कन्नौज, फिरोजाबाद और उनकी जो तीसरी सीट थी बदायूं, वो उसको बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक ने साथ नहीं दिया है, यादव वोट बैंक ने भीतरघात किया है, ऐसे तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो 11 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है उसमें वो अकेले सिंबल पे ही चुनाव लड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक नसीहत भी डाली इस गठबंधन को तोड़ते समय कि जो अखिलेश यादव की पार्टी है वो अपने जो वोटर हैं उनको एक मिशनरी के रूप में जब तक नहीं लाएंगे तब तक इस गठबंधन का कोई फायदा नहीं होगा। और जो उन्होंने गठबंधन तोड़ने के पहले ये तमाम बातें कही। अखिलेश यादव आज गाजीपुर गए थे, विजय यादव जो उनके पार्टी में कार्यकर्ता थे उनकी हत्या हुई थी उनके घर गए थे। जब वहां पर उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी साफ साफ कहा कि गठबंधन पर फिलहाल वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उपचुनाव की बात है तो वो भी अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, अपने जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन अगर पूरी जो गठबंधन की कहानी का निचोड़ निकाला जाए तो कहीं ना कहीं अगर सबसे नुकसान हुआ है किसी को तो समाजवादी पार्टी को हुआ है। उसकी सीटें जरूर जो 5 की थी 5 जरूर बची नहीं, लेकिन जो परिवार की सीट थी उसको बचाने में वो कामयाब नहीं हो पाए। और 2019 की बात करें तो निश्चित तौर पर अगर सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी को हुआ है, क्योंकि 2014 में उसकी जो संख्या थी वो 0 थी और इस बार उनकी वो संख्या बढ़कर 10 हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन का फायदा मिलना था, जैसा कि HNN ने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, उसका पूरा फायदा BSP को मिला है। लेकिन BSP अब इस गठबंधन को आगे नहीं चलाना चाहती क्योंकि उसकी उम्मीद कुछ दूसरी थी। उसकी उम्मीद थी कि 40-50 सीटों पर यूपी में गठबंधन सीट जीतेगी और भाजपा का जो विजयी रथ है उसको रोकने में वो कामयाब हो गए। लेकिन इसके ठीक इसका उलट हुआ। गठबंधन को जो यादव वोट बैंक की बात करें या दलित वोट बैंक की बात करें उतना सपोर्ट नहीं मिला। आपको बता दें कि जब गठबंधन का ऐलान हुआ था तभी राहुल आपको रोकना चाहेंगे। हरीश श्रीवास्तव जी BJP से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HN24x7 पर। हरीश श्रीवास्तव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हरीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर
चले लगता है संपर्क हमारा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। राहुल, जिस तरीके से यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कल हमने देखा था कि मायावती किस तरीके से इशारा करती हुई नजर आई थी कि गठबंधन टूट सकता है, हालांकि उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अखिलेश यादव की तरफ से चुप्पी साधी गई थी, लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती करती है उसके बाद अखिलेश यादव का भी बयान जो है सामने आ जाता है, लेकिन क्या लग रहा है, क्या हम पूरे तरीके से समझ ले इस बात को कि गठबंधन टूट चुका है और यहाँ पर कोई भी उम्मीद जो है सपा बसपा के साथ चलने को लेकर नजर नहीं आती है? क्योंकि मायावती ने ये जरूर कहा कि सपा अगर कुछ बदलाव करती है अपनी पार्टी के अंदर तो कहीं ना कहीं गुंजाइश बचती है, क्या माना जाए राहुल? राहुल आप मुझे सुन पा रहे हैं? चले लगता है संपर्क हमारा यहां पर टूट गया है, लेकिन यहां पर देखिए सपा बसपा गठबंधन जो तैयार होता है 2019 लोकसभा चुनाव से पहले और इस उम्मीद के साथ कि बीजेपी को मात देनी है, बीजेपी को टक्कर देने के लिए सपा बसपा का यहां पर गठबंधन होता है, इस गठबंधन से कांग्रेस को भी दरकिनार कर दिया जाता है, पूछा तक नहीं जाता है, और इंटरेस्ट हालांकि कांग्रेस दिखाती है उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद भी धन्यवाद कर दिया जाता है अखिलेश यादव की तरफ से राहुल गांधी को। तो अब समझने वाली बात यही है कि क्या ये वाकई मौका परस्त गठबंधन बनाया गया था, क्या सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ने तक ही ये गठबंधन सीमित था? कई सवाल यहां पर सबके जहन में जो है वो पैदा हो रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं दूसरी बड़ी खबर के साथ।